गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मुझे थोड़ा खुशी हो रही है क्योंकि मेरी नानी थोड़ा ठीक फील कर रही हैं और कल उनको हम लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी अगर वो सैंपल लेने अगर घर में ही आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ उसको बोलने के लिए कि भाई तू घर में आ जा, क्योंकि घर के पास ही रहते हैं ना भैया, तो ऐसे बोलूँगी कि घर में ही आ जाओ। और गणेश महोत्सव स्टार्ट हो गया है कल से, तो यार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। एंड गणपति बप्पा सब की जो है मनोकामनाएं पूरी करें एंड हमारी नानी को जल्दी ठीक करें। ब्लड सैंपल तो वो लेके चले गया। मम्मी नानी का ना मन खिचड़ी खाने का नहीं कर रहा है, मैंने कहा खिचड़ी लेके आती हूँ, खिचड़ी नहीं खा रही। हाँ मैंने ऐसे तो बोला, बोरी मैं रोटी सब्जी खाऊंगी की, और फिर बोल रही जैसा डॉक्टर बोलेगा ऐसे करने के। मैंने कहा हाँ ऐसे तो करना है तभी तो ठीक होंगी। क्या यार ऐसे मैंने बोला नानी को, मैंने कहा बाद में दे दूंगी दही वगैरह, दही चावल वो तो दिन में खाएंगे बोला, अभी मैं वो खाऊंगी। मैंने कहा अरे यार, क्योंकि उनका मन कर रहा होगा ना कि कुछ अलग चीज खाने का, क्योंकि वो बोर हो गई खिचड़ी मूंग का दाल का पानी ये सब पी पी के, तो इसलिए अब क्या बनाऊँ उनके लिए, देखती हूँ कि कुछ अलग सा क्या बनाती हूँ। मैंने रख दिया नानी के लिए आलू उबालने के लिए, और जो खिचड़ी थी बनी हुई वो खा रही है मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी नानी ने साफ मना कर दिया है कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। तो अब उनको कुछ अलग अलग चीजें बना के रखना पड़ेगा, फिर क्या करें, तो है ना पेशेंट की डिमांड है। लोगों ने कर लिया लंच, और अभी जो है अभी तो बारिश होती थी, और अभी जो है थोड़ा मौसम मतलब बारिश बंद हो गई, और इतना भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब तुम पागल जाओगे ऐसी गर्मी हो रही है। यहाँ हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही होती है वैसे भी तो, और मेरा सिर दर्द भी हो रहा है पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है शायद से गर्मी की वजह से ही हो रही है। 6 बजे जो है बोला था रिपोर्ट लेने के लिए उसने, जो सैंपल लेके गया था, अब 6 बजे रिपोर्ट लूँगी, उसके बाद डॉक्टर को दिखाऊँगी, फिर देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्या आया होगा रिपोर्ट में। तो जब तक जो है रिपोर्ट लेने का टाइम होता है, मैं तब तक थोड़ा एक नींद मार लेती हूँ अगर आ गई तो, क्योंकि मेरे हल्के हल्के सिर में दर्द हो रहा है, और नीचे रूम पे चल जाती हूँ, वहाँ पे ठंडा रहता है ना, तो हाँ वहीं चल जाती हूँ साथ में, क्योंकि मम्मी तो वहीं है नानी के साथ, तो नीचे जाके थोड़ा मस्त सी नींद मारती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। छोड़ ना बेबी, कितने ऊपर उछला ये बदतमीज, क्या हुआ भाई तुझे, बाय मैं जा रही हूँ नीचे, बाय जी। अब टाइम हो गया है और अब मैं जाती हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। मैं नीचे गई सोने तो थी, लेकिन तब तक मेरी नानी उठ गई, फिर गप वगैरह मारने लग गई नानी, और फिर मतलब मेरी नानी सो रही थी तो खराटा मार रही थी ना, तो मैंने कहा नानी आप तो खराटे मार रहे थे, अच्छी नींद आ रही होगी आपको, तो बोल रही नहीं नहीं मुझे नींद ही नहीं आई बोला आज, मैं सो ही नहीं हूँ। मैंने कहा हैं तो खराटे कौन मार रहा था फिर ये, तो मतलब कि नानी मतलब हो ही जाता, जैसे एज ज़्यादा एज में जब आ जाते हैं तो थोड़ा दिमाग थोड़ा वो नहीं हो जाता, तो नानी का शायद इस टाइप का होने लग गया है, तो कुछ भी बोलने पे लगी है, कभी किसी के बारे में कुछ, कभी किसी के बारे में कुछ, तो चला गया उनका हिसाब किताब। आराम से गप सुन के आई मैं और जाती हूँ इससे पहले कि लेट हो जाए। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि बारिश भी आने वाली है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, आ गई घर। और नानी को हुआ है टाइफाइड, मैंने दिखाया, और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है उनका, काफ़ी कुछ थोड़ा मिक्सअप हो गया है वहाँ पे, तो अब देखते हैं, अब खूब खिलाना पिलाना पड़ेगा उन्हें, फिर से तंदुरुस्त करना पड़ेगा। और क्या होता है उसका नाम, आज ना चाय मांग रही थी कि मुझे चाय दे दो, क्योंकि चाय भी मना करा हुआ है और चाय मांग रही थी, अब क्या करें, पहाड़ी मतलब उन्होंने वहाँ तो चाय चूही पी है ज़्यादा, तो उनको उस चीज़ की तलब है तो क्या कर सकते हैं फिर। बाकी चाय के बदले मैंने सोचा है कि मैं ये लेके आ गई हूँ ये सारा का सारा नारियल पानी जो है नानी पियेंगी अब, ये तो थोड़ा सी है अभी और लेकर आना पड़ेगा, तो नारियल पानी ही अब हम डेली उनको पिलाते रहेंगे, जैसी चाय बोलेगी मैं बोलूँगी नारियल पानी पियो है ना, तो फिर चलो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आगे। वैसे काफ़ी ठीक है जब हम लेके आए थे उससे, तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मतलब उठ भी रही हैं चल भी रही हैं, तो हो जाएगी धीरे धीरे ठीक है ना, खिलाना पिलाना थोड़ा पड़ेगा काफ़ी, तो
चलो एक नारियल पानी देके आती हूँ पहले मैं नानी को। नानी ले तुम्हारो पानी। हाँ खेली अब यू ही पीण हुआ तुम उन चाय के बदले केले की तुम तय हुएगी टाइफाइड। टाइफाइड हुएगी तुम ते ना तो तुम उन यू पीना पानी ठीक ची चाय बंद थोड़े दिन तक। हाँ सुई निकली यूरिक एसिड बढ़ी हूँ ठीक ची। परहेज कन दवाई खान टाइम पर दवाई छोड़नी ठीक ची। पानी पीण बस यू हो चाय चुई नहीं कन अब ज्यादा। अरे तो खिचड़ी भी तो खान ची थोड़ा खिचड़ी भी खान ची। अभी मैं डोरा कालू एंड मोटू को खाना खिला रही थी तो डोरा नहीं खा रही थी खाना क्यों वो ना लेट गई थी और वो बोल रही कि मुझे पहले प्यार कर ठीक है। मैंने प्यार करा फिर उससे थोड़ा सिखाया हाथ से कि हाथ से खिला मुझे ठीक है। आजकल उसके नखरे चल रहे हैं ऊपर से एक रेड कलर का डोंगा है उसमें मैं देती हूँ मोटू को ठीक है। तो उस डोंगे के पीछे ये सारे के सारे पड़े रहते हैं क्योंकि वो चटकीला जैसे ना एकदम तो इनको शायद से अट्रैक्ट करता है कि पता नहीं क्या। तो वो बोल रही मुझे इसी डोंगे में खिला तो उसने अपने डोंगे में खाना खाया ही नहीं। फिर उससे क्या जब मोटू जो है खाना छोड़ के गया अपना थोड़ा तब वो उसके डोंगे में खाने लगी। तब मैंने क्या करा उसके डोंगे का उसमें शिफ्ट करा उसी के मोटू के उसमें तब जाके खाया उस लड़की ने खाना थोड़ा बहुत। तो ऐसे ऐसे तो आजकल के जानवर और खाएं क्या बताएं। अभी मेरा राजा बेटा जो है इंतज़ार कर रहा है कि मुझे घूमी घूमी लेके जाएगी ये है राजा बेटा। खाना भी नहीं खाया इसने कि पहले मेरे को घूमी घूमी लेके जा लेकिन बारिश आ गई इशारे देखना इसके चले जाना है। क्या इशारे कर रहा मुझे ऐसे कि चल हैं चले चलो बारिश बंद हो गई हाँ चलो फिर चलो 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 हाँ पता है मुझे रास्ता यही है चल चल बदतमीज कुत्ते। तो जी मैं आ गई अपने रूम पे टिकू को घुमा के क्योंकि टिकू आज मतलब कभी कभी बोलता है वो कि मुझे घुमा मतलब दोबारा जब घुमा के भी लेके आ जाओ तो फिर शायद से उसको पॉटी वॉटी आता होगा दोबारा या ऐसा कुछ पर करता कुछ नहीं है फिर भी कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है। बट उसने बोला कि ले चल मुझे बिल्कुल इशारे करता है भाई और आंखों से भी बातें करता है कि लेके चल मुझे भाई तो फिर लेके जाना पड़ता है क्या करें फिर तब हैं। और करा कुछ नहीं उससे सुसु करी बस। और अभी तक मैं जरा नानी के साथ बैठी हुई थी नीचे रूम पे और नानी की थोड़ा गप वप सुनी एंड नानी तो क्या बताया यार हंसी आती है मुझे नानी की बातों में पता नहीं कैसे कैसे बातें करती है यार। और उसके बाद जो है अब मैं आ गई अपने रूम पे सोने के लिए क्योंकि नीचे मम्मी सोएंगी उनके साथ। मेरा तो ऐसा है कि एक बार अगर मुझे नींद आ गई तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि हो गया रात दुनिया में मतलब बहुत ही भयंकर नींद आती है। तो सो के कुछ फ़ायदा है नहीं उनके साथ नीचे है ना तो इसलिए मम्मी सोई है वहाँ पे। और हाँ मेरी निक्की से बात हुई निक्की बोल रही थी कि अच्छा हुआ तू नानी को लेके चले गई क्योंकि बोला अच्छा हुआ तुम लोग नानी को लेके चले गए बोले शायद से वहाँ पे रोड ना ब्लॉक हो गई है बोला। तो मैंने कहा हाँ हो भी सकता है क्योंकि जब हम लोग गए थे तो वो जो पूरा मलबा था वो पूरा रोड पे आ रखा था और जब हम इस साइड आ रहे थे वापस तो बारिश का मौसम हो रहा था वहाँ पे और जो ऊपर ऊपर था तो पानी आ रहा था मतलब झरना टाइप का नहीं मतलब पहाड़ों में ही ऐसे प्लेन प्लेन जैसे पानी आ रहा था मोस्टली सारे जगह में। तो हो सकता है क्या पता इस वजह से जो है पूरा नीचे आ गया हो और रोड ब्लॉक हो गई हो है ना। तो चलो यार बहुत ज़्यादा थकान लगी है मुझे अब क्योंकि थोड़ा अप डाउन होने पर लगा है आजकल क्योंकि नानी नीचे रहती है फिर उनको खाना देने जाओ फिर लेने जाओ फिर ऊपर फिर ये ऐसे ऐसे कर करके जो है थकान लग गई है। अच्छी वाली एक्सरसाइज भी हो रही है बढ़िया है। तो ठीक है अब सोती हूँ मैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप क्या करो ब्लॉग को लाइक करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है। बाय लव यू ऑल मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग में।